सो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन है फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम और जी ऑफ एस दिया हुआ है। सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जी ऑफ एस दे दिया गया है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है, उसके बाद इनपुट भी दे दिया है, ठीक है। सो सबसे पहले अपने को पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखो इसको गौर से, ये वाला जो है ये यूनिट स्टेप के रिगार्डिंग है, ये जो है ये यूनिट रैंप के मतलब रैंप फंक्शन है, ये वाला देखिए आप कुछ इस टाइप से देखिए, ये स्टेप फंक्शन है, ये वाला जो है रैंप फंक्शन है, और ये वाला जो है ये पैराबोला फंक्शन है। कौन बोला भाई? पैराबोला, पैराबोला फंक्शन है, बात समझ में आ रही। अब देखो आपने जो अभी देखा वो टाइप और इनपुट, उसका एक छोटा सा एडवांटेज आप ले सकते हो। आप यदि सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे तो सिस्टम का टाइप कितना है राजा? सिस्टम का जो टाइप है वो है टू, सिस्टम का टाइप है टू, ठीक है। इस सिस्टम टाइप टू को देखो कुछ ऐसा है कि एक टाइप टाइप टू का एक सिस्टम है जिसपे इनपुट कौन कौन जा रहा है, स्टेप भी जा रहा है, रैंप भी जा रहा है और पैराबोला भी जा रहा है, ठीक है, पैराबोला भी जा रहा है। चलिए वन बाय वन एरर, अपन तीन एरर निकल सकती है अलग अलग इंडिविजुअल यदि निकालो तो। चलो रैंप के रिस्पेक्ट में इसमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। आपका आपका स्टेप के रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या मिलना है, कॉन्स्टेंट मिलना है। इसके रिस्पेक्ट में इसको कॉन्स्टेंट मिलना है क्योंकि टाइप टू है और इसका भी टाइप टू है, इन दोनों के टाइप उससे कम है। आपने देखा था कि टाइप, आप इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट का टाइप और एक है आपका सिस्टम का टाइप, है ना। सिस्टम का जो टाइप है ये इसको ऐसा लिखें कि टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टाइप इनपुट के टाइप से बड़ा है तो जो आपको एरर मिलती है वो मिलती है जीरो। आपने देखा है ना ये। सो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है थर्ड केस में, बाकी की जीरो है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो उसका एडवांटेज था जो अभी हमने देखा था, ठीक है। सो इस केस में सिर्फ पैराबोला के केस में आपको एरर करनी है तो आपको तो फॉर्मूला पता है कि सर ए डिवाइड बाई के ए, ए डिवाइड बाई के ए, ठीक है। चलिए चलिए सो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो ए सिस्टम के साथ कोई मल्टीप्लाई है क्या, टी स्क्वायर बाई टू, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ध्यान रखिए पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो टी स्क्वायर नहीं है, टी स्क्वायर बाई टू है, ठीक है। ए की वैल्यू वन है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। डिवाइड बाई के ए, के ए, के निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस। आपके पास जी ऑफ एस बड़े प्रेम से उसने लिख रखा है, सो इसमें उसकी वैल्यू रख दे लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर इंटू टेन एस प्लस वन डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस टू एस प्लस टेन, ये कैंसिल हो गया, एस इक्वल टू जीरो डालें, सो दिस इज टेन टू इंटू टेन, टेन टेन गया, पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव इज द वैल्यू ऑफ योर के ए, सो पॉइंट फाइव यहाँ रखेंगे, यू विल गेट टू, टू इज योर आंसर, है ना, सीधा सच्चा सिंपल। सपोज आपको ये सब नहीं करना कि टाइप टू है या ये जो भी कहानी है, तो सीधा आपको इक्वेशन से जाना है और इक्वेशन तो आपको पता है कि क्या है ना, इक्वेशन क्या है, देखिए आपको सपोज नहीं करना है, ये सारी चीज़ आपको नहीं पता एग्जाम में और एग्जाम में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ए रखना है क्या रखना है, तो उसके लिए सीधा ना फॉर्मूला आपके पास ई, आपके आपके पास ई एस एस जो है, ई एस एस जो है दैट इज नथिंग बट लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इधर हो जाएगा आपका ई ऑफ एस दैट इज नथिंग बट आर एस वन प्लस जी एस, दैट्स इट, ठीक है। चलिए हम रखते हैं वन बाय वन, सो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू इनपुट का आपको एस डोमेन में चाहिए, सो ये हो जाएगा टेन बाय एस, ये हो जाएगा टेन बाय एस, ये हो जाएगा फाइव बाय एस स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वन बाय एस क्यूब, दैट्स इट। यहाँ पे रख दीजिए वन प्लस जी एस कितना रह जा, टेन एस प्लस वन डिवाइड बाय एस स्क्वायर एस प्लस टू एस प्लस, बस एस की जगह आपको जीरो ही तो रखना है, यू विल गेट योर आंसर। चलिए सबसे पहले ये एस क्यूब यहाँ से एलसीएम वाला पार्ट कर लेता हूँ, सो एलसीएम वाला पार्ट करने से यहाँ पे बचने वाला है दिस और ये हो जाएगा एस क्यूब, सॉरी ये हो जाएगा वन प्लस फाइव एस प्लस टेन एस स्क्वायर और यहाँ पे बचने वाला है आपका एस स्क्वायर एस प्लस टू एस प्लस
टेन प्लस टेन एस प्लस वन, ठीक है, और जो अपॉन में रहेगा वो रहेगा एस स्क्वायर एस प्लस टू एस प्लस टेन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। नाउ आपको एस इक्वल टू जीरो ही पुट करना है इन दिस एंटायर इक्वेशन, सो यू विल गेट यहाँ से वन, यहाँ से मिलेगा टू मल्टीप्लाई विथ टेन इन डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा टेन, सो दिस इज नथिंग बट टू, यू आर गेटिंग हेयर आंसर इज टू, ठीक है, सो टू इज योर आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एरर जो होती है, एरर इज नथिंग बट इनपुट माइनस आउटपुट, दिस इज नथिंग बट द जनरल फॉर्मूला फॉर द एरर, इजंट इट। नाउ टेल मी, यदि आपके पास सिस्टम है उसका इनपुट, हर किसी सिस्टम का इनपुट तो आपको पता रहता है, आउटपुट भी यदि पता है, आउटपुट भी यदि पता है आपको, सो आपको एरर मिलेगी क्या? यस मिलेगी, मिलेगी हर किसी, सी देखो आपका जो सिस्टम है वो स्टेबल है, सिस्टम स्टेबल है, स्टेबल सिस्टम मतलब स्टेबल सिस्टम को यदि आपने कुछ दिया तो इनपुट तो आपकी जानकारी है जो आपने दिया, लेकिन सिस्टम आउटपुट क्या देगा उसकी आपको जानकारी, बिकॉज सिस्टम इज स्टेबल, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। लेकिन सपोज आपका सिस्टम जो है अनस्टेबल निकल जाए, आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल निकल जाए, सो अनस्टेबल के केस में यस इनपुट तो है लेकिन आउटपुट आपके पास नहीं है, अनस्टेबल सिस्टम मतलब इनपुट तो दे दिया लेकिन सिस्टम आउटपुट क्या देगा उसकी जानकारी आपको नहीं है, इस केस में आपकी एरर डिफाइंड नहीं है। अरे आप इनपुट माइनस, आप इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, अब मुझे बताओ मैं आपको ये बोल रहा हूँ टू माइनस समथिंग इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, तो आप मेरे से पूछोगे सर इसकी वैल्यू बताओ, नहीं बताएंगे तो आप इसकी वैल्यू नहीं बताओगे मेरे को, है ना। सो अनस्टेबल सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा यदि अनस्टेबल सिस्टम के अलावा ओसिलेटरी सिस्टम हो जाए या मार्जिनल स्टेबल सिग्नल हो जाए, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो जाए, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए भी आउटपुट डिफाइन नहीं होता। देखो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम द बेस्ट एग्जाम्पल इज नेचुरल ओसिलेशन, ठीक है, आप एटी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे मेरे को बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू टोगल कर दी माइनस वन से वन में, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम जो होते हैं उनकी भी फाइनल वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको नहीं पता कि आउटपुट क्या है, तो इस केस में भी जो एरर होगी वो डिफाइंड नहीं होगी, वो डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड, ध्यान रखिएगा। ये जो डेटा है छोटा सा, लेकिन इस पर बेस्ट क्वेश्चन गेट में आ जाते हैं, ठीक है, और आने की संभावना है इस बार भी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सीधा सिंपल सच्चा सा, और क्वेश्चन आपके सामने है कि जी ऑफ एस इक्वल टू, नोट डाउन करेंगे, जी ऑफ एस इक्वल टू वन डिवाइड बाई एस एस माइनस वन, ठीक है, दिस इज जी ऑफ एस टू दिस सिस्टम यू आर गिविंग टी इज द इनपुट, ठीक है, और पूछा है व्हाट इज द स्टेडी स्टेट एरर। सो यदि आप इसको सिस्टम को यदि चेक नहीं करेंगे, आप देख रहे हो ना एक पोल इन आरएचएस सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम के लिए जो स्टेडी स्टेट एरर है वो डिफाइन नहीं होती है, लेकिन आप लोग क्या किए, इसकी जानकारी आपको नहीं है, आप फॉर्मूले से गए। चलिए स्टेडी स्टेट एरर इन केस ऑफ रैंप फंक्शन होता है, क्या होता है भाई, ए डिवाइड बाई के वी, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में टी के साथ उसकी वैल्यू है 1, सो 1 डिवाइड बाई के वी, के वी क्या है राजा, के वी है सर लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस कितना है, एस एस माइनस 1 एस एस गुड कैंसर, आप एस की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1, ठीक है, अब माइनस 1 के वी की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ, माइनस 1 यू आर गेटिंग माइनस 1, सो माइनस 1 यू आर गेटिंग, इन योर 4 ऑप्शंस 1 आंसर विल बी देयर माइनस 1, सो आपको चेक करना है, कैसे चेक करना है, देखो आपके पास यदि 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिख दिया कि नॉट डिफाइंड, तो आप पहले चेक कर लें कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, सिस्टम यदि अनस्टेबल है तो आपको आंसर चूज करना है नॉट डिफाइंड, ठीक है, और उसके बाद यदि नॉट डिफाइंड वाली चीज़ है ही नहीं 4 ऑप्शन से, तो इसका मतलब तो आपको चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम स्टेबल ही होगा तभी उसके 4 डिफरेंट
आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। नॉट डिफाइन दिया हुआ है ऑप्शंस में, इसका मतलब रुकिए, देखिए, यदि खतरा ना हो तो आगे बढ़िए। ठीक है, मतलब सिस्टम को चेक करना है अपने को। चलो, सिस्टम को चेक करना है। देखो यहाँ तो दिख गया आपको डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले, लेकिन मैं कुछ ऐसा लिख देता एस प्लस फोर। इस सिस्टम को चेक करोगे तो ये भी अनस्टेबल सिस्टम है, चेक कर लेना बच्चों। ठीक है, चेक कर लेना है अपने को। नाउ एक और कंडीशन हो सकती है, पॉसिबल कंडीशन है, और वो ये है कि सिस्टम जो है आपको दे दे अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम को कोई सा भी इनपुट दे दे, इसका आउटपुट एरर आप निकालोगे और उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, फॉर्मूले से करोगे तो उसकी वैल्यू आना है, लेकिन एक्चुअल में अनस्टेबल सिस्टम के लिए वो डिफाइंड नहीं है। अब आपके चार जो ऑप्शन है ए बी सी डी, यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ नॉट डिफाइंड की जगह उसने लिख दिया इनफाइनाइट। सो चूज योर आंसर इनफाइनाइट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और फिर जाएंगे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक स्टडी स्टेट एरर फॉर द नॉन यूनिट फीडबैक सिस्टम, देखेंगे कि उसमें क्या कहानी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए देखते हैं कि क्या सीन क्या है अपने पास। अपने पास दो क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, और पूछा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया है उसका, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, यूनिट फीडबैक सिस्टम नेगेटिव है, जीरो स्टडी स्टेट पोजिशन एरर, यू नो वॉट इज द पोजिशन एरर, है ना। ठीक है, जीरो दिस ऑल दिस थिंग्स। सो आपके पास जी ओ पेस फॉर दिस क्वेश्चन दिया हुआ है सीधा सा। मेरे को बस कुछ नहीं मालूम दुनियादारी, मेरे को बस इतना मालूम कि जी ओ पेस एक्चुअली है क्या। सर टाइप कितना है? टाइप वन है। ध्यान रखिए, पोजिशन एरर विथ रिस्पेक्ट टू हुम निकलता है? यूनिट स्टेप ना, यूनिट स्टेप का जो फॉर्मूला था स्टेट स्टेट एरर का, वो क्या था? ए वन प्लस के पी। सो ये पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट है, लेकिन उसने पूछा जीरो स्टेट स्टेट पोजिशन एरर, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो एरर है ये इसकी बात कर रहा है ना। यूनिट स्टेप में टी की पावर क्या है? जीरो है भाई, ये क्या है? वन है। तो इसके केस में आपको जो मिलना है आउटपुट, वो मिलना है क्या है? जीरो। टाइप इज ग्रेटर देन इनपुट, सो स्टेट एरर इज जीरो। टाइप इज लेस देन इनपुट, देन स्टेट स्टेट एरर इज इनफाइनाइट। यू नो तो इसमें क्या प्रॉब्लम जी? आप आराम से इसका आंसर जीरो। सो वो बोला जीरो स्टेट स्टेट पोजीशन एरर, यस सर। अब इफ यू विल चेक द नेक्स्ट वन, यू विल नॉट गेट जीरो फॉर द वेलोसिटी एरर। फॉर द वेलोसिटी एरर यू विल गेट कॉन्स्टेंट। यू विल गेट कॉन्स्टेंट और नॉट, टेल मी? यस, यू विल गेट कॉन्स्टेंट, बिकॉज टाइप इज इक्वल टू इनपुट का टाइप, इजंट इट? चलिए, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ध्यान से चीज़ों को समझ के करेंगे। लल्लू क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि भावनाओं में बह गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप भी अपने बचपन से चीज़ें सुने कि ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मतलब ऐसा हो गया करके, तो ऐसा अपने को नहीं करना। ठीक है, चलिए, जीओ पे इक्वल टू दिया है, इनपुट दिया हुआ यूनिट रैम, देन स्टडी स्टेट एरर पूछा है, ईएसएस पूछा है, यूनिट रैम पे इनपुट है, व्हाट इज द टाइप? टाइप इज ग्रेटर देन इनपुट, स्टडी स्टेट एरर जीरो। कहानी खत्म करने का नहीं सर, नहीं, बताइए क्या बोल रहा आप, मेरे को नहीं पता। चल फॉर्मूला पता है तेरे को, यूनिट रैम के रिस्पेक्ट में कौन सी एरर निकलेगी? ESS इज इक्वल टू A डिवाइड बाई KV। KV का फॉर्मूला पता है क्या राजा? सर लिमिट S टेंस टू जीरो, S मल्टीप्लाई विद GS, तो बोलना GS भाई, GS क्या लिखा हुआ? S स्क्वायर S बाई टू, ये गया जीरो की वैल्यू रख यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट रखना है यहाँ पे, इनफाइनाइट। वन बाई इनफाइनाइट जीरो नहीं आता क्या? आता है ना, तो ऐसे भी पकड़ने का कि टाइप यदि बड़ा है इनपुट से, इनपुट में पावर टी की क्या है? वन है,
टाइप में कितना है ये, दो है, टू इज ग्रेटर देन वन, तो जीरो लिख देना। जब उधर वन इज ग्रेटर देन टू इस टाइप से आ जाए तो इनफाइनाइट लिख देना ना, समझा ना। गुड, चलिए दो क्वेश्चन और आपका इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो इन जनरल बच्चे गलत करते हैं, इजी क्वेश्चन है इसलिए गलत करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है, द स्टेप एरर कोफिशिएंट ऑफ जियो बेस इक्वल टू विथ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज, योर फोर ऑप्शंस आर गिवन। स्टेप एरर कोफिशिएंट पूछा है, स्टेप एरर कोफिशिएंट पूछा है, देखिए स्टेप एरर कोफिशिएंट, स्टेप एरर कोफिशिएंट क्या होता है भाई, स्टेप एरर कोफिशिएंट केफी होता है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट द पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट। पोजिशनल एरर कॉन्स्टेंट ही होता है ना स्टेप एरर कोफिशिएंट, बिकॉज स्टेप एरर कोफिशिएंट स्टेप इनपुट है, सो स्टेप इनपुट के लिए केपी निकालते हैं। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, वो स्टेट एरर निकाल लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा राजा, केपी पूछा। चलिए देखते हैं केपी की वैल्यू क्या आती है। ओ केपी इज नथिंग बट इज इक्वल टू जीरो रखना है तो 1/6, 1/6 इज योर आंसर, 1/6 इज योर आंसर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको भी कर देते हैं, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, 1/6 बोले तो 6/7। गनीमत है कि आपके ऑप्शन में ये नहीं है, अदरवाइज मेजोरिटी आप प्रीफर कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ओवर, इतना लल्लू क्वेश्चन में ज्यादा टाइम आप पर भी नहीं लगेंगे एग्जाम में, ठीक है। सेकेंड है फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट जीरो बेस इक्वल टू दिया स्टेडी स्टेट आउटपुट फॉर ऑप्शंस स्टेडी स्टेट, ध्यान से देखिए, हो सकता है मैं गलती करूं इसमें। यूनिट स्टेप दिया हुआ है, यूनिट स्टेप दिया हुआ है, सो स्टेडी स्टेट समथिंग इज देयर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, अरे सीधा सच्चा फॉर्मूला लगा दे, ए डिवाइड बाई वन प्लस के पी, के पी की वैल्यू बोल रहा है जा, के पी की वैल्यू हो जाएगी एस इक्वल टू जीरो रखना है, सो 20/5, सो दिस इज नथिंग बट 4, दिस इज नथिंग बट 4, ए की वैल्यू क्या है, यूनिट स्टेप है, 1/5, सो दिस इज नथिंग बट 0.2। अच्छा हुआ कि ऑप्शन में 0.2 नहीं, अदरवाइज जल्दी जल्दी में बच्चे लोग कर देते हैं। स्टेडी स्टेट आउटपुट है पूछा है, एरर नहीं पूछा रे। स्टेडी स्टेट आउटपुट मतलब आउटपुट 80 इक्वल टू इनफाइनाइट पूछा है ना सर मैंने, स्टेडी स्टेट आउटपुट पूछा है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर आउटपुट क्या होगा पूछा है, सो एग्जाम में ऐसे गलती मत करना। चलिए अच्छा हुआ ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, है ना। चलिए पूछा है क्वेश्चन में, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है 20s² + 2s + 25, इसको इनपुट जो दिया है वो दिया है यूनिट स्टेप, इसका जो आउटपुट आ जाएगा सी ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट 20s² + 2s + 25, दिस इज योर आउटपुट। नाउ उसने पूछा स्टेडी स्टेट आउटपुट सी ऑफ टी एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट इज नथिंग बट इसका एल डोमेन में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इन टू, इसका जो भी आउटपुट है वहाँ आपके पास, ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस मल्टीप्लाई विद दिस एंटायर थिंग 20s² + 2s + 25, एस जीरो तक नहीं, हाँ एस जीरो तक जाएगा, एस एस कैंसिल, एस की वैल्यू जीरो रखने का है यहाँ पे, एस की वैल्यू जो है वो जीरो रख देने का है, दिस इज नंबर 25/5, दिस इज नथिंग बट 5, सो दिस इज 5, सो दिस इज नथिंग बट 4, सो 4 इज योर आंसर, है ना लल्लू क्वेश्चन। ओके इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया है मैंने स्टेट एरर में, क्योंकि इन जनरल आप होते हैं एग्जाम में बहुत फॉरवर्ड इसलिए स्टेट एरर निकाल दिए होते हैं, तो वो तो इस ऑप्शन में मैंने स्टेट एरर मेंशन नहीं किया, लेकिन गेट में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ध्यान से देखें उसने क्या पूछा है, स्टेट एरर पूछा है, आउटपुट पूछा है, उसने पूछा क्या है, है ना। चलिए दो अलग अलग क्वेश्चन आपके पास, फॉर द टाइप टू सिस्टम स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट इज, अब टाइप टू सिस्टम तो दे दिया, उसने डिफाइन नहीं किया इट्स स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम, डिफाइन नहीं है मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेबल सिस्टम ही है। स्टेबल सिस्टम है, टाइप इज ग्रेटर देन इनपुट हो रहा है क्या, यस हो रहा है, टाइप कितना है 2 है, इनपुट कितना है, इनपुट रैंप है, रैंप के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इस केस में स्टेट एरर क्या होती है 0, वेयर इज 0 हियर इज 0, काम खत्म।
चीज़ों को रिलेट करें, चीज़ों को समझें कि क्या कहना चाह रहा है। टाइप इज ग्रेटर देन इनपुट, इनपुट का जो टाइप है सिस्टम का टाइप बड़ा है, सो दैट इज जीरो स्ट्रेस एरर। नेक्स्ट, फॉर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द फॉरवर्ड पाथ गेन इज इतना, फॉरवर्ड पाथ गेन इज इतना, मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन टू पोल एट ओरिजिन, टू पोल एट ओरिजिन सिस्टम जो होता है अनस्टेबल सिस्टम होता है, अनस्टेबल सिस्टम को नोट करता है। चलिए स्ट्रेस एरर फॉर द स्टेप इनपुट इज, स्टेप इनपुट दिया हुआ है तो टाइप इज, यदि आप देखोगे टाइप इज ग्रेटर देन, टाइप इज ग्रेटर देन इनपुट, एरर जो आना चाहिए जीरो आना चाहिए, तो जीरो आप इसमें लिखोगे। लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट नाम की चीज़ दी हुई है, मतलब रुक जाइए, चेक कीजिए कि सिस्टम क्या है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल सिस्टम को आप कुछ भी दे लो, आउटपुट में जो एरर आएगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर आप देंगे ये वाला, सो द करेक्ट आंसर इज दिस। डिड यू गेट माई पॉइंट? चलिए अब देखते हैं स्टेडी स्टेट एरर फॉर नॉन फीडबैक सिस्टम्स।